हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने वाटर साइकिल को डिस्कस किया था बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में से। तो आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद कार्बन साइकिल को। ठीक, एंड फिर जो नेक्स्ट वाला आने वाला लेक्चर होगा उसमें हमारे लिए ऑक्सीजन साइकिल रहेगा और ओजोन वाला जो है पार्ट वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। नाइट्रोजन जो है 78% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है एयर वो कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में 78% कंस्टिट्यूट करता है हमारे एटमॉस्फेयर एयर का। तो नाइट्रोजन जो है पार्ट ऑफ प्रोटीन्स डीएनए आरएनए एंड सम विटामिंस। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का पार्ट है डीएनए आरएनए एंड सम विटामिंस। तो नाइट्रोजन का मेन रोल है हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, क्योंकि ये डीएनए में भी है आरएनए में भी है जो कि बेसिस है हमारी कंटिन्यूटी की, और प्रोटीन में भी पाया जाता है तो स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इससे, एंड विटामिन में भी पाया जाता है। फाउंड अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज यूरिया एंड अल्कलॉइड्स। यूरिया एंड अल्कलॉइड्स में भी पाया जाता है। यूरिया तो आपको पता ही होगा, एक तो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं एंड जो हम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है, यूरिया तो उनमें भी पाया जाता है और अल्कलॉइड्स में भी पाया जाता है। लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू यूज इट डायरेक्टली अदर देन फ्यू। ठीक है, कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन मतलब N2। ठीक है, N2 जो है इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, N एंड N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सिंगल सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है जो दो एटम्स में एक बॉन्ड होता है। तो ये जो है ऐसे ब्रेक होना जो है मुश्किल होता है, इसीलिए डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसी कोई जो है कैपेबिलिटी है नहीं कि वो नाइट्रोजन को यूज करके दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करें। तो क्या हमें चाहिए, हमें इसको दूसरी फॉर्म में अगर हमें मिले तो तब हम यूज इसको कर सकते हैं, सपोज नाइट्रेट या अमोनिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि इसको हमें कोई कन्वर्ट करके दे दे। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक, बैक्टीरिया में भी एसोसिएटेड और फ्री लिविंग। ठीक, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है फ्री लिविंग, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके इसी से एनर्जी निकालते हैं, इन्हीं कंपाउंड से एनर्जी निकालते हैं और वही उसी से अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं या वही उनके लिए फूड होता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करते हैं एटमोस्फेरिक N2, जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ N2, उसको कन्वर्ट करते हैं या तो करते हैं नाइट्राइट्स में या तो करते हैं नाइट्रेट्स में। अब नाइट्राइट से नाइट्रेट्स क्या होता है, ये हम यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल से पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो ये बैक्टीरिया है या तो ये फ्री लिविंग होंगे या ऐसी सॉइल में है खुद, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, सिंपली नाइट्रोजन लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में, या ये एसोसिएटेड हो सकते हैं। सपोज अगर आपको याद होगा, अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि लिग्यूम्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक, रूट नोड्यूल्स जो है वो एक एसोसिएशन होती है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे वहां पे एसोसिएटेड होते हैं ये रूट्स के साथ, नोड्यूल्स के नोड्यूल्स में होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ, कभी कभी फ्री लिविंग हो जाते हैं तो उनको कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है रूट लिग्यूम्स। ठीक, रूट लिग्यूम जो है एसोसिएटेड फॉर्म है, यहाँ पे रूट जो है जो हमारे लिग्यूम प्लांट्स हैं उनके रूट्स में स्मॉल स्मॉल जो है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं और उनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक, अंदर से अगर हम उनको काटेंगे तो पिंक कलर के होते हैं, वो नोड्यूल्स में नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जाते हैं एंड नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो वाले बैक्टीरिया जो है एसोसिएटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि वो नोड्यूल्स में ही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो सॉइल में रहकर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अपने नाइट्रोजन साइकिल पर। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में पहले तो एटमोस्फेरिक N2 है, यहाँ पे एटमोस्फेयर में N2 है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अमोनिया ऑक्साइड्स एटसेट्रा। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ N2 टू NH3 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन।
सिंपल से चलने पहले आपको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन को N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, सिंपल टर्म में याद रखनी है। इसके बहुत सारे वेज है, ठीक है, या तो ये आप बायोलॉजिकली कर सकते हो। ठीक, बायोलॉजिकली मतलब जो हमने अभी यहां पे जिक्र किया कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल। सेकेंड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको आ जाएगा, सपोज इंडस्ट्रीज जो है कुछ चीजें प्रोड्यूस करती हैं, या उनमें जो है कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं, या कुछ ऐसी वहां पे फंक्शंस होती हैं इंडस्ट्रीज में जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है नाइट्राइट में, अमोनिया में। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, वो जो है वो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होती है, तो कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे ये चीजें हो जाती है। इंडस्ट्रियल भी इसमें हेल्प मिलती है, इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है ये वाली अमोनिया रिएक्शन के थ्रू नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो वो भी इसी में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ये आपने सुना होगा कि हमारे एटमोस्फेयर में जब थंडरिंग या लाइटनिंग होती है तो उसमें काफी एनर्जी होती है इस NN बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो उस NN बॉन्ड को ब्रेक करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं या किसी और चीज में कन्वर्ट करके जो है वहां पे हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल या जो लाइटनिंग के थ्रू होती है या हमारे एटमोस्फेयर में जो फेनोमेना होती है उसके थ्रू जो होती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल आ जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया। ठीक है, हो गया पहला स्टेप। सेकेंड है, यहाँ पे ये लिखा है कंबशन एंड फॉरेस्ट फायर्स आल्सो प्रोड्यूस N2 ऑक्साइड्स। ठीक, कंबशन एंड फॉरेस्ट फायर्स जो है ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है या तो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, फिर रेन के साथ जो है गिरते हैं पानी में, फिर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड चले जाते हैं, फिर वो वहां पे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे अब, तो उसके बाद क्या होता है, अब NH3 जो है ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली NH3 नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसको जो है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारी वाटर एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी क्या होता है, हमारे कुछ बैक्टीरिया है जिनका जिक्र हम यहाँ पे कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो इस NH3 को NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इस NO2 को हम नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्राइट या नाइट्रेट का जिक्र आया था, यहाँ पे उसको समझते हैं कि NH3 को जब हम NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं उसको हम नाइट्राइट बोलते हैं। NO2 नेगेटिव को यहाँ पे जो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं वो है नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन आप अभी चाहें तो आपको फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो तब आपको ये क्लिक कर सकता है कि मैंने कभी पढ़ा था। ठीक, तो जब NH3 को NO2 में कन्वर्ट NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस वहां पे हेल्प करते हैं। फिर जब नाइट्राइट को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं NO3 नेगेटिव में, उसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। सबसे ज्यादा यही अब्सॉर्ब होता है NO3 नेगेटिव। ठीक, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म यही होता है, इसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं वो है नाइट्रोबैक्टर। ठीक, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर या जो बाकी ये सारे जो है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, हो गया सिंपल। अब जो ये नाइट्रेट है इसको अपटेक किया गया प्लांट के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, यहाँ पे प्लांट बायोमास में दिखाया गया, हम प्लांट्स का ही लेते हैं अभी। ठीक, प्लांट ने इसको अपटेक किया, प्लांट ने इसको ले लिया। ठीक, प्लांट के थ्रू ही जो ये नाइट्रेट कंपाउंड्स हैं एनिमल्स में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, तो ये नाइट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा हम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपटेक के बाद ये प्लांट में चले जाते हैं, प्लांट के बाद या तो ये एनिमल में आ जाएंगे या तो प्लांट डेड हो जाएगा। अगर प्लांट डेड हो जाएगा तो यहाँ पे ये चला गया डिकेइंग बायोमास में, लेकिन अगर एनिमल ने खा लिया तो एनिमल में चला जाएगा, एनिमल के DNA में को फॉर्म करता है, एनिमल के जो यहाँ से नाइट्रोजन आ जाएगा, एनिमल के प्रोटीन्स को फॉर्म कर सकता है, एनिमल के अमाइनो एसिड्स को फॉर्म करता है। यहाँ पे फिर जब एनिमल डेड हो जाएगा तो ये दोनों पहुंच गए यहाँ पे डिकेइंग बायोमास। ठीक, डिकेइंग बायोमास तक ठीक है। अब जब हम डिकेइंग बायोमास को याद रखना, यहाँ पे जब हम डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको हम नाइट्रोजन में NH3 में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन।
यहाँ पे आपको याद रखना है, जब डिकेइंग बायोमास से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है उसको हम NH3 में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है N2 टू NH3, लेकिन ये जो है कन्वर्जन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है जो एनिमल या प्लांट बायोमास में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक, तो अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन है, NH3 है, तो उसके बाद ठीक है सेम ही प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या होता है कि नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन द सॉइल और आल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, एब्सॉर्ब्ड बायोमास से ट्रांसफर टू प्लांट। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या होता है कि सारा जो भी नाइट्रेट प्रेजेंट होता है हमारे सॉइल में, ये जरूरी नहीं कि ये अपटेक हो, इसको कोई जो है प्लांट इसको ले जाए, इसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सके। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक, उसको कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, या तो वो लीव करता है, एस्केप करता है सॉइल को, तो उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। जब हम नाइट्रेट को N2 में कन्वर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे जो बैक्टीरिया का रोल है, कौन बैक्टीरिया इसमें हेल्प करता है, सीडोमोनास एंड थियोबैसिलस। ठीक, यहाँ पे जब नाइट्रेट को N2 में कन्वर्ट किया जाता है या नाइट्रेट N2 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। मैं होप करता हूं कि जिसमें जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आप समझ गए होंगे। स्टिल कोई बात रहे, कुछ पॉइंट रहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं स्टिल ट्राई करूंगा कि जब आप अगर कमेंट में लिखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करूं। इसी तरह जो नाइट्रोजन साइकिल है ये भी वाटर साइकिल की तरह जो है कंटिन्यूअसली जो है एक फ्लो में रहता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में रहता है, एक से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में चला जाता है और वापस एक साइकिल क्रिएट करता है। नाइट्रोजन की जो इंपॉर्टेंस है पहले हमने डिस्कस की, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। मुझे लगता है इतना जो है एनफ है, अगर आप इतना समझ लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस कैसे चलता है ये, तो ये हमारे लिए एनफ है। आप चाहें तो स्क्रीन को भी पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। बाकी नाइट्रोजन साइकिल में भी इतना ही, अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल को। तो अब हम कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे। कार्बन साइकिल में पहले ही तो कार्बन का मैंने साइकिल नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि इजी साइकिल है उतना है नहीं। जब आप ये पॉइंट समझोगे तो आपको खुद आप इजीली खुद ही क्रिएट कर सकते हो, साइकिल को खुद ही बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, ऑकर्स इन एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि कार्बन जो है एलिमेंटल फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में या तो डायमंड में पाया जाता है या ग्रेफाइट में पाया जाता है। बक्की बॉल्स में भी, बकमरिस में, फुलड्रम्स, आप आगे जगह केमिस्ट्री में पढ़ोगे वहां पे भी जो है एलिमेंटल कार्बन ही पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इन कंबाइनर स्टेट एज CO2। कंबाइनर स्टेट, कंबाइनर मतलब विद अदर एलिमेंट्स, अगर कंबाइनर फॉर्म में हम देखेंगे तो CO2 में आपको कार्बन है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इन मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स में जो है हमारे हमें CO2 मिलेगा, एटमोसफेयर में आपको पता ही है कार्बोनेटेड हाइड्रोजन कार्बोनेट इन मिनरल्स। ठीक है, सपोज NaCO3 वहां पे आप देख सकते हो NaHCO3 एटसेट्रा जो है वहां पे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एटसेट्रा। इन लाइफ फॉर्म्स, एज लाइफ फॉर्म में कैसे पाया जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। ठीक, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड में कार्बन पाया जाता है आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में तो पता ही है, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में जब हम ग्लूकोज जो है बनाते हैं, जब फूड सिंथेसिस होती है प्लांट्स में तो ग्लूकोज क्रिएट होता है, तो ग्लूकोज जो है उसमें कार्बन होता है, फिर ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट चीजें क्रिएट करने में एंड डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस में। ठीक है, द एंडो एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ कार्बोनेट साल्ट। ठीक है, एंडो एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ बहुत सारे एनिमल्स के जो है उनमें कार्बोनेट पाया जाता है, कार्बोनेट साल्ट होते हैं। ठीक, तो वहां पे भी ये कार्बन का यूज है। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इन लाइफ फॉर्म्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। लाइफ फॉर्म्स में कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम में जो है कार्बन सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही एंटर करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड क्रिएट किया जाता है वहां पे CO2 को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, तो वो ग्लूकोज हम यूज करते हैं एज अ ग्लूकोज या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होके और वो कार्बन हम में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि ठीक है, यहाँ पे और लिखा है कि CO2 एटमॉस्फेयर और डिसॉल्वड फॉर्म इन ग्लूकोज। ठीक है, तो वही है कि
कन्वर्ट सीओ टू इन एटमोसफेयर और डिजोल्व फॉर्म टू ग्लूकोज। ये यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है या तो एटमोसफेरिक सीओ टू को या तो डिजोल्वड फॉर्म में। जो मरीन एनिमल्स है, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं, वो सॉरी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो जो कार्बन जो डिजोल्वड होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एक्स्ट्रा, या हमने पढ़ा था पहले ही, तो वो वाले वो वहां पे यूज करके उनको जो है फूड में कन्वर्ट करते हैं, उनको ग्लूकोज में इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर वही उसी के थ्रू जो है वो हमें आ जाता है। नेक्स्ट थोड़ा अब है कि कार्बन कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे हमें अलग चला जाता है। अब ये है कि कार्बन जो है हमसे कहाँ कैसे बाहर निकलता है, ठीक। जब कार्बन का साइकिल हम पढ़ने हैं, तो जब कार्बन किसी जगह से आ रहा है तो वो दूसरी जगह से निकल के फिर से वही जाना चाहिए, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू सीओ टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं सीओ टू में। तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो एनिमल्स तो करते ही हैं कि हम जब फूड लेते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन का यूज करके इसको सीओ टू में कन्वर्ट करते हैं अपने फूड को, ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ऑल्सो बाय द कंबशन, कंबशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफेयर में ऐड किया जाता है। कंबशन दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अपने फ्यूल को बर्न कर रहे हैं हमारी गाड़ियों में कुकिंग के लिए, या जो बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस उनके लिए, या तो फिर फॉरेस्ट फायर जो है वहां पे भी कंबशन होती है, वहां पे भी CO2 ऐड होता है एटमोसफेयर में, कोई वेजिटेशन बर्न हो रही है तो वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ सीओ टू इज सेट टू बी डबल्ड सिंस इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन। 1950s में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आया था, तो वहां से कहा जाता है कि तब से एटमोसफेयर में जो सीओ टू की प्रेजेंस है वो डबल हुई है। अगर आपको याद होगा तो 0.04% हमने पहले डिस्कस किया था कि होता है एटमोसफेयर में सीओ टू, ठीक। अब सीओ टू का जो है ये हमें देखिए इसके इफेक्ट्स क्या है, रेस्पिरेशन में यूज होता है, हमारे लिए फूड बनता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी है जो हमारे एटमोसफेयर में जब इसकी लेवल बढ़ जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट्स भी है इसको। तो पहला जो है उसमें इफेक्ट वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने ग्रीन हाउस को देखा होगा कि ग्रीन हाउस जो है बहुत सारी जगहों पर इंस्टॉल किए जाते हैं। ग्रीन हाउस में एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लास लगाया जाता है, या तो पॉलिथिन से हम कवर करते हैं उसको, वो हम उन प्लांट्स के लिए रखते हैं जो विंटर में ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिनको हीट चाहिए होती है समर की, ठीक। अगर कोई प्लांट समर में ग्रो करता है लेकिन हम चाहते हैं कि उसको विंटर में ग्रो करें, तो हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस का यूज करते हैं। ग्रीन हाउस क्या करता है, जो भी लाइट उसमें आती है, जो भी हीट आ जाती है, वो उसको बाहर से अंदर आने देता है, वो ट्रैप करता है, फिर अंदर से उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर जो है समर वाली कंडीशंस क्रिएट होती है, वहां पे एक अलग सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो प्लांट के लिए सूटेबल हो जाता है। इसी तरह यही हमारी अर्थ भी इसी तरह बिहेव करती है। हमारी अर्थ में कुछ गैसेस हैं जो लाइट या हीट को ट्रैप करते हैं, फिर उसको बाहर जाने नहीं देते हैं। अगर उसकी कंसंट्रेशन उस गैस की उन गैसेस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो मेन गैस जो उनका है वो है सीओ टू, ठीक। सीओ टू के बढ़ने का खतरा, सीओ टू के बढ़ने से हमें क्या हार्म है, तो यही है कि ये वो गैस है जो हीट को ट्रैप करता है और उसको बाहर जाने नहीं देता, उसको इजीली जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को वापस पेनिट्रेट नहीं करने देता है, और ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है हार्मफुल है। हमारे जो है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। तो जो यूथर्मल होती है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेनोथर्मल होते हैं वो मर जाते हैं अगर उनमें थोड़ा सा भी चेंज हो टेम्परेचर में, वो जो है फिर उसको जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज को, वो उनके लिए ये स्पेशली ज्यादा हार्मफुल है, और हमारे लिए भी हार्मफुल है क्योंकि हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है उसका बढ़ रहा है। तो ये था आज के कार्बन साइकिल में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में। मैं होप करता हूं कि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। नहीं आई है, कोई पॉइंट रह गया है मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वही डिस्कस करूंगा। और आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी वही है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और लाइक का जो बटन है उसको प्रेस करके ही जाना है, क्योंकि लाइक का बटन हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। हमें ये जो है उसे इंडिकेशन मिलती है कि आप हमें कितना लाइक करते हो, किस जो हमारा कंटेंट है उसे आप कितना सपोर्ट करते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।